समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। सो वेलकम गाइस, ए बी रोशन शर्मा में आप लोगों का स्वागत है। मेरे को नहीं पता मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बट अब से मेरा इंट्रो ऐसे रहेगा। इंडियन आइडल एक ऐसा शो है जिसमें लोग गाना गाने आते हैं। सॉरी सॉरी, तुम लोगों को यहाँ पे खाली नाचने का पैसा देना है, क्योंकि गाना तो वो पीछे 100 रुपया देने का एक बंदे को, वो गाना गाता है, तुम लोग खाली नाचने का, बेइज्जती सुनने का और चल देने का। छोटू इंट्रो। इंडियन आइडल, यहाँ पे लोग अपनी बेइज्जती कराने आते हैं दूर दूर से। इंडियन आइडल मतलब बाथरूम सिंगर्स का प्लेटफॉर्म, इंडियन आइडल मतलब रोस्टर के लिए कंटेंट। तो चलो आओ आज कुछ ऐसे ही फनी ऑडियंस को रोस्ट करते हैं, वो भी इज्जत के साथ। इंडियन आइडल में सब कुछ देख लिया, आ जाए तो मुझे बताओ कि ये टीम इंडिया के सपोर्ट जी वर्ल्ड कप नहीं आया उसके बाद क्यों कर गया? मतलब लोग काफी नाराज है हमारे इंडियन टीम से। आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि अगला इस वर्ल्ड कप तो नहीं लेकिन अगला वर्ल्ड कप तो जरूर लाएंगे। जी अगला में ही सब कुछ चल रहा है आजकल। बॉल ले लूं इनसे? हग दिया, हग दिया। मतलब भाई मेरे को लगा था इंडिया के कपड़े पहन के आया, कुछ अच्छा करेगा, पर नहीं, इंडिया की शान बढ़ाने आया था और घटा के चल गया। और भाई ये अंकल को क्या हो रहा है नहीं पता, बॉल है हाथ में रहने दोनों, अच्छा लग रहा है, पर नहीं बॉल लेना है, और लेना भी है तो शांति से नहीं लेना है। देखो तुम लोग तो कैच दे आलिशा को। चल अब क्रिकेट हो गया, चल अभी तू गाना गा। ओ मखणा बे मैंने जाना बे, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए स्लो क्लैप में, स्लो क्लैप में तालियां बजती रहनी चाहिए। मतलब जो बंदे की एंट्री ऐसी हुई हो, मतलब वो क्या ही करेगा, नहीं मतलब ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया बस। मेरी मम्मी मेरे को मारेगी अगर मैं इससे ज्यादा गाऊंगा तो। देख रहे हो बॉल पकड़ने के बाद कितनी हंसी निकल रही है, जैसे बॉल नहीं 10 लाख का चेक ही पकड़ा हो। भाई मैं बता रहा हूँ ये बंदा ना आगे गाने वाला था, बट ये अनु मलिक सर ने जो इसका लिंक तोड़ा है ना भाई, ये भूल गया सब कुछ, भूल गया, और ये मन में भी बोल रहा होगा कि भाई गाना गा रहा हूँ बेइज्जती से ले यार, बीच बीच में बोल रहा है जाने दो बस बस इतना चल। अरे आगे कुछ होगा ना, इनकी किस्मत जो है टीम से जुड़ी हुई है, अगले वर्ल्ड कप में वो टीम भी जीतेगी और ये भी जीतेंगे। तुम्हारे लिए एक ही आवाज है, जाते जाते क्लीन बोल्ड। ये चचा ने बोला कि अगले साल आपकी टीम भी जीतेगी और आप भी जीतोगे, तो अगले साल का कोई देख रहे हो, ये साल ही सिलेक्ट कर लो। और भाई ये अनु मलिक सर ने जो हाथ जोड़े ना, मतलब जैसे इस बंदे ने कानों से खून ही निकाल दिया। यही बंदे होते जो कोई गाना गाते रहता है ना तो उसके साथ झूमेंगे नाचेंगे, बट फिर आखिरी में बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है। तो बस आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब मारो और ऑल पे कर दो ताकि आपको अगले कार्यक्रम की नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक करो और कमेंट में भी बता सकते हो कि कैसी लगी वीडियो, शेयर करो अपने तमाम दोस्तों में और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी इंगेजमेंट बढ़ाओ। भाई का गेमिंग का चैनल तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे फनी कॉन्टेंट्स है गेम से लेके, तो जाके देखो पहले और फिर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पूरा।